सोयाबीन की कीमतों में लगातार बढ़त ही देखने को मिल रही है। 2021 में जहां सोयाबीन के दाम टूटते दिखाई दिए थे और किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था, वहीं 2022 में सोयाबीन की कीमतों में कुछ सुधार आते दिखाई दिया है। किसानों ने सोयाबीन बेचने का फैसला तब किया था जब उन्हें अपेक्षित मूल्य मिला। किसानों के लिए ये फैसला सही साबित हुआ। अब इस समय बाजारों में कपास का रिकॉर्ड भाव मिल रहा है। विदेशों में उत्पादन घटने से सोयाबीन की कीमतों में तेजी जारी रहेगी। आपको बता दें कि ब्राजील और अर्जेंटीना में सोयाबीन का उत्पादन कम रह सकता है, जिससे वैश्विक उत्पादन में कमी आ सकती है। रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई घमासान होती जा रही है, जिससे वहां से होने वाले खाद्य तेलों का आयात रुक गया है। ऐसे में भारत में दूसरे खाद्य तेलों के दाम बढ़ सकते हैं। यूक्रेन और रूस से होने वाले सूरजमुखी तेल की जगह सरसों, सोयाबीन और सीपीओ के तेल की ओर रुख किया जा सकता है। सोया तेल और सीपीओ के दाम पहले से ही रिकॉर्ड हाई पर देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें कि हाजिर के साथ साथ वायदा बाजारों में भी सोयाबीन की कीमतों में जोरदार उछाल देखने को मिल रहा है। NCDX पर सोयाबीन 7,900 के स्तर पर है। बाजार की जानकार मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजेजा का कहना है कि सोयाबीन वायदा में छोटी अवधि में तेजी देखने को मिल सकती है और दाम 8,200 से 8,300 तक देखने को मिल सकते हैं। वहीं अमित सजेजा के मुताबिक सोयाबीन में मौजूदा स्तरों से 5 से 6% की और तेजी देखने को मिल सकती है और आने वाले 2 से 3 हफ्तों में सोयाबीन में 8,500 से ऊपर के भी स्तर देखने को मिल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।